सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, क्या आप लोग भी यूट्यूब शॉर्ट्स बनाते हो और क्या आपके भी यूट्यूब जो शॉर्ट्स बहुत जल्दी वायरल हो जाती है? तो गाइस, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है और उन लोगों के लिए जो यूट्यूब में आना चाहते हैं और अभी जो यूट्यूब में काम कर रहे हैं या फिर जो अभी यूट्यूब में आए हैं। तो ये जो वीडियो ये सिर्फ उनके लिए है क्योंकि यूट्यूब की तरफ से 3 अपडेट्स और आए हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं कौन कौन से अपडेट आए हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी कर देना। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो गाइस, जो सबसे पहला जो YouTube मतलब जो शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा बनाते हैं उनके अगर शॉर्ट्स वीडियो पर 10 मिलियन अगर व्यूज़ आ गए, वैसे भी बहुत आम चीज़ होती है गाइस 10 मिलियन व्यूज़, अगर उनके वीडियोज़ पर 10 मिलियन व्यूज़ आ गए तो आप उनका चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा। इसके लिए मैंने एक डिटेल वीडियो है वो बना दी है क्योंकि अब यूट्यूब ने ऐसा कर दिया कि 4000 घंटे हटा दिए हैं और 1000 सब्सक्राइबर तो हैं क्या, 4000 घंटे लोगों को बहुत मुश्किल लगता था, उसको हटा दिया। अब 1000 सब्सक्राइबर, 10 मिलियन व्यूज सिर्फ गाइस चाहिए शॉर्ट्स वीडियो पे, जो कि आसानी से हो जाते हैं। गाइस, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, बढ़ते हैं सेकंड चीज़ की। सेकंड चीज़ ये आई है कि आप यूट्यूब में कि अब आप अपने YouTube शॉर्ट्स में कोई सा भी, वैसे ही सुनना, अब कोई सा भी गाना यूज कर सकते हो, उस पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आएगा। आप लोग सही सुन रहे हो गाइस, आप अपने YouTube शॉर्ट्स में कोई सा भी मतलब YouTube शॉर्ट्स में कोई सा भी आप अपना गाना यूज कर सकते हो, उसके अंदर कोई कॉपीराइट नहीं आएगा ना, मतलब चाहे वो फिल्म का हो, चाहे मूवी का हो, चाहे मतलब किसी कार्टून का हो, चाहे किसी का बैकग्राउंड हो, किसी में भी नहीं आएगा। ये भी गाइस काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, अपने पीछे और किसी का गाना लगा देते हैं, फिर उनका मोनेटाइज ही नहीं होता, मोनेटाइज हो जाता है, स्ट्राइक की वजह से चैनल बैन हो जाता है। गाइस, ये तो मुझे खैर अच्छा भी लगा है और पहले वाला तो और भी अच्छा था, जो कि मैंने उसके पहले वाले के लिए मैंने एक डिटेल वीडियो बना दी है। और थर्ड चीज़ ये आई है गाइस कि YouTube शॉर्ट्स में आपने देखा होगा अगर आपके वीडियो 10-10 लैक्स, 20-20 लैक्स मतलब बहुत सारे लोगों के पास पहुँच जाते हैं, पर उनका जो रेवेन्यू है वो 0 में ही आता है। जैसे किसी का 0.04, 0.24, खैर मेरे तो अभी तक इतनी नहीं गई है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, पर इसको भी YouTube ने हटा दिया। अब YouTube क्या करेगा, जो लोग अपने YouTube, जैसे मैं लॉन्ग वीडियो बनाता हूँ तो लॉन्ग वीडियो मुझे 45% मिलता है, 55% मिलता है, बाकी का 45% YouTube रख लेता है। पर गाइस ऐसा नहीं होगा, अब YouTube शॉर्ट में गाइस उल्टा होगा और अच्छा भी रहेगा। YouTube शॉर्ट में उल्टा क्या होगा कि आप 55 जो परसेंट है वो YouTube रखेगा और 45% जो है वो हम लोग रखेंगे। ये गाइस ये भी अच्छा है क्योंकि पहले क्या होता था, इन लोगों की जो वीडियो है शॉर्ट वीडियो वो लाखों में चली जाती थी, लाखों लोगों मतलब बहुत सारे लोगों में चली जाती है, पर उनका जो रेवेन्यू है 0.04, 0.004। ये गाइस काफ़ी अच्छी बात नहीं होती क्योंकि लोग अपने 15 सेकंड ये भी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा लोगों ने मतलब निकाल दिया यूट्यूब वाले ने कि 45% जो है वो हम रखेंगे और 55% जो है वो यूट्यूब रखेगा। गाइस मुझे तीनों अपडेट ये कैसे अच्छे लगे, अगर आपको अच्छे ना लगे हों या आपको कोई इनमें कोई दिक्कत आ रही हो गाइस तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। खैर मैं तो उनके ठीक नहीं कर सकता हूँ, फिर भी अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई मुझसे बात पूछनी है या आपसे मुझसे ये पूछना भाई इसके अलावा भी कोई छोटा मोटा अपडेट आया उसके रिगार्डिंग जो है मैं आपको वो सारा कुछ बता दूंगा गाइस। और मुझे तो ये काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि यूट्यूब शॉर्ट 15 सेकंड का वीडियो कहीं से भी उठा सकते हो, मतलब फूड ब्लॉगर बना सकते हो, उसकी वजह से भी लोग काफ़ी आजकल इंडिया में ऐसे भूखा मर रहा है गाइस, उसकी वजह से आप लोग उसने अपने अंदर डाल सकते हो शॉर्ट वीडियो में और आगे मतलब अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो। आई होप गाइस अगर आपको ये तीनों अपडेट्स अच्छे लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में।